दंतेवाड़ा जिले के गीदम में कांग्रेस ने भरोसा यात्रा के तहत बाइक रैली निकाली है। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल बनाम कांग्रेस सरकार के 5 सालों में किए विकास कार्यों की जानकारी दी जा रही है। दंतेवाड़ा जिले में भरोसे की यात्रा गीदम के हारमपारा चौक से शुरू हुई है। जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भरोसा यात्रा में शामिल हुए हैं। मालूम है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सभी जिलों में भरोसा यात्रा का कार्यक्रम चालू हुआ है। हमारी भी भरोसा यात्रा प्रारंभ हो गई है। आज हम लोग गीदम के हारम में हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 15 साल बना 5 साल, 15 साल बीजेपी सरकार, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने जनता का जो विश्वास जीता, जनता का जो भरोसा, हमने उनकी उम्मीदों में जो खरा उतरे, हमने जो वादा किया था जनता से, 36 वादे हमने किए, लगभग सभी वादों को हमने पूरा किया। उससे बढ़कर के जैसे दंतेवाड़ा हमारा जिला है, यहाँ सभी जो आदिवासियों की देवी देवता है, बहुत महत्व होता है। सभी गांव में हमने देवगुड़ियों का निर्माण कराया जो हमारे वादा में नहीं था। इसके बाद बहुत सारे जैसे वनोपज खरीदी, पहले बीजेपी सरकार में 7 प्रकार की वनोपज खरीदी होती थी, आज हम 65 प्रकार की वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। आज जो डिनेश फैक्ट्रिया हमारे दंतेवाड़ा जिले में लगी है, तो हम अपने जिले के हिसाब से जो हम जनता से वादा किए थे उससे बढ़कर हमने जनता का भरोसा जीता है। जो जनता का हमने जो भरोसा जीता है, जनता के लिए हम जो काम किए हैं उसको लेकर के हम आज भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं। मालूम है आज प्रदेश